वगैरह? अगली बार रेनकोट चाहिए होगा तो सस्ते में मिल जाएगा, पहले से ऑर्डर देना। ओके ठीक है। तो कैसा फील कर रहा है? भी अच्छा, लिबरेटिंग, मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग पीपल, सो दिस इज डे टू ऑफ आर लद्दाख राइड और हम हैं मनाली में होटल में, विच इज़ ईदा रेस्टोरेंट। अभी हम निकल रहे हैं सरचू के लिए, सारा सामान पैक हो गया है और बाइक्स पे हमने ऑलमोस्ट लगा लिया है, अभी हम बस सेट करने जा रहे हैं। निकलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया एडिटिंग क्योंकि हमने इसी रूम में बैठ के एडिटिंग किया है, जो ब्लॉग अभी लाइव हो जाएगा आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे, और बस आगे निकल रहे हैं, बाकी का रास्ते में मिलते हैं। कितना भैया? 106। चलो फुल करना है सबका, मैं एक साथ कर देता हूँ आपको सारी गाड़ियों का। वाव, अमेजिंग, यहाँ का फील ही अलग है यार। झरने झरने, क्या बात क्या बात। धोले गाड़ी। बहुत गंदी हो गई बहुत हमारी राइनो। ये है एक्चुअल व्हाट इज बियॉन्ड अटल टनल, दिस इज व्हाट बियॉन्ड अटल टनल। तो ये है सिस्सू जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है, ये खूबसूरत। कभी इनको अगर स्नोफॉल में भी अगर आप आते हो, मुझे प्लान करना है एक बार कि स्नो में हम अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आएँ, बाइक से नहीं आ पाए तो कार से आएंगे, सफारी लेके आएंगे, बट यहाँ एक बार मुझे आना ज़रूर है। वाह, ऑसम ऑसम, क्या लग रहा है यार, कितना प्यारा। इधर छाँव, इधर ठंडक है, वहाँ पर धूप है। ओ अब तो कांपने लग गया यार मैं, सडनली एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, शायद हमें जैकेट्स जो हैं चेंज करनी पड़ जाए, तो देखना पड़ेगा एक बार शायद से, क्योंकि अब इसमें बेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मुझे लग रही है ठंड। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया हुआ है, खाना पीना हम खा चुके हैं, दिस इज़ ऑल डन, और बस इसके बाद अब एक प्रॉब्लम ये हुई है कि इस रूट से हमें आगे निकलना है सरजू के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इस रूट से जब आगे जा रहे हैं तो आगे एक दारचा पड़ता है, तो दारचा का जो रूट है वो है एक्चुअली अभी बंद, और 3 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। तो अब प्लान भी ये है कि हम जिस्पा में शायद जो है वहाँ पर जाके अपना स्टे लेंगे, तो लेट्स सी अभी क्या होता है, बट फॉर नाउ क्योंकि आगे का रास्ता इस टाइम पर सेफ़ नहीं और हम बहुत लेट हो चुके थे घर से निकलते निकलते, तो देखते हैं क्या सीन है। इस रूट से हमें आगे निकलना है सरजू के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इस रूट से जब आगे जा रहे हैं तो आगे एक दारचा पड़ता है, तो दारचा का जो रूट है वो है एक्चुअली अभी बंद, और 3 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। तो अब प्लान भी ये है कि हम जिस्पा में शायद जो है वहाँ पे जाके अपना स्टे लेंगे, तो लेट्स सी अभी क्या होता है, बट फॉर नाउ क्योंकि आगे का रास्ता इस टाइम पर सेफ़ नहीं और हम बहुत लेट हो चुके निकलते निकलते, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी हम इस पेट्रोल पंप पे रुके, इसके बाद जो हमें पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया कि पेट्रोल पंप जो है यहाँ से नेक्स्ट करीब 300-350 किलोमीटर के बाद मिलेगा, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से रिफिल कर लें। 368 किलोमीटर्स के बाद मिलेगा, तो कोशिश अब ये है कि अब यहाँ से जो है फ्यूल भरा लेते हैं, तो इसमें से हम निकालते हैं अगर हमारे पास कैन या कुछ होगा अवेलेबल वो निकाल के और भर के फिल कर लेते हैं, क्योंकि आगे सबकी बाइक्स इतना जाना मुश्किल है। ओह ये दे, ओ भाई साहब, ओहो कोई देख ही नहीं रहा है, पेट्रोल पेट्रोल की बातें कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं, नज़ारा देखो यार, क्यों हो हो, और अच्छे से दिखाऊं क्या साइडों के, इसके पीछे छुप रहा है, वाह ये देखो क्या बात है। अनिरुद्ध, इस नज़ारे के लिए आई वांट टू डू अ ट्रैक विद यू, चलो चलते हैं यहाँ पे। कर ले ट्रैक भी कर ले भाई, बाइक राइड है यार, एक ही चीज़ रखते हैं यार, इतनी ना है अभी। इतनी हिम्मत ना है। अगली बार बाइक के ना स्पाइक्स लगा के आएंगे। हाँ वाह, वहाँ पे भी है, क्या मस्त लग रहा है यार, है ना, नाइस नाइस, बहुत फाइनली। बहुत बहुत प्लानिंग करी इसके लिए, और फाइनली ऑन वी आर ऑन द वे। एक घंटा सीरियसली, एक एक घंटा बात करके हम डिस्कशन करते थे क्या प्लान करना है, कैसे क्या लेना है, कैसे करना है। अपनी ये ऑफ कर दो, इग्निशन लाइट, बैटरी चली जाएगी। नाइस यार नाइस, देखते हैं अभी यहाँ से प्लान, तो जैसे मैंने बताया था प्लान यही है, केलोंग जाएंगे, केलोंग जाके अगर कुछ अपना मिल गया तो वो देखते हैं, नहीं हुआ तो आगे अगर ऑप्शन होता है जिस्पा का, जिस्पा भी जा सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है day 3 और हम एक्चुअली कल ये हुआ था कि जब हम रास्ते में निकल रहे थे, सो अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता नहीं था कि दारचा जो है, दारचा पर आप 3 बजे के बाद नहीं निकल सकते, तो वहाँ से जब आगे बढ़ रहे थे हम, तो उस ड्यूरेशन में बीच में हम सरचू नहीं पहुंच पाए। सो दिस इज़ केलोंग, केलोंग में हमने एक सलचन इन नाम से ये होम स्टे है जो हमने लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस
दिस इज द रूम एंड दिस इज द लवली व्यू, लवली व्यू। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अब यहाँ से जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब आज फिर हमें ये है क्योंकि हम कल सरचू नहीं जा पाए, राइट, तो अब डायरेक्टली हम ले जाएंगे सीधा। तो ये स्ट्रेच वैसा ही हो जाएगा जो हमने दिल्ली टू मनाली किया है, ऑल दो डिस्टेंस ज़्यादा है बट यहाँ पे रोड्स ट्रिकी हैं। तो फॉर नाउ वी कांट हेल्प इट, चलते हैं आगे ले की तरफ एंड लेट्स जॉइन अस एंड बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो हर हर महादेव, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर दिख रहा है एग्जैक्ट 7 degrees, ये एक्चुअली और हाँ नीचे था, 6.9 दिख रहा है, ये था जब हम उठे। अब क्योंकि मॉर्निंग व्यू है अभी सुबह सुबह का, तो इस वजह से ये और गिरा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हमें और दिख जाएगा। क्या पानी आ रहा है उस ब्रिज के नीचे से, देखो ये नाइस यार। अनिरुद्ध, हाँ जी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी लद्दाख। जाओ। थैंक यू सर। तो यार भाई हुआ ये है कि अपूर्व जो है जो सफारी में हमारे साथ था, आई थिंक उसका फोन जो है OnePlus 8 Pro वो गिर गया है कहीं। और लास्ट मेमोरी जो उस फ़ोन की उसके पास ये है कि वो दारचा का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे उतर रहा था और उसमें उतरते टाइम गोद में रखा हुआ था फ़ोन, तो वीडियो वगैरह अंदर से बनाई थी, वहाँ पे गिरा था। और अब हम वापस जा रहे हैं 15 किलोमीटर दोबारा फ़ोन चेक करने के लिए कि फ़ोन कहीं गिरा तो नहीं है चेक पोस्ट पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमारा नेटवर्क आ नहीं रहा है, जो हम चेक पोस्ट पे कॉल करके एक बार पूछ लें। तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ, चेक करना पड़ेगा, होपफुली यार फिंगर्स क्रॉस्ड फ़ोन मिल जाए, ट्रिप का मूड ख़राब नहीं करना है। तो यार फ़ोन की इतनी टेंशन हो गई है, अभी नीचे जाके आए हम लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए आपके लिए, तो नीचे जाके आए जहाँ पे चेक पोस्ट थी, जहाँ से हमने एंट्री करी थी, उस चेक पोस्ट पे हमने आर्मी ऑफिशियल्स को बता दिया है कि ऐसे ऐसे फ़ोन गिरा है, उन्होंने डिटेल्स तो ले ली हैं बट यार चांसेस देखो उनके पास मिलने के तो कम है। अब यही हो सकता है कि अगर लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं तो एक तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे उस नंबर के थ्रू लिंक निकाल के किसी को, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि शायद गाड़ी में ही कहीं गिर गया, सामान इतना लोडेड है हमें मिल नहीं रहा है, और ऊपर से जहाँ गिरा, जहाँ पे सफारी रुकी हुई थी इसके आगे प्रीपेड का नेटवर्क आना बंद हो चुका है और जो फ़ोन है उसमें प्रीपेड का ही सिम है। तो ये प्रॉब्लम है कि शायद जो है चांसेस ये हैं कि ले तक अभी आगे पता चल नहीं पाएगा उसके बारे में, या तो हमें बैठे बैठे जब हम अनलोड करें सफारी को तब हमें पता लग जाए, बैठे बैठे किसी का हाथ पड़ जाए किसी जगह पे डैशबोर्ड में या कहीं, सब कुछ वैसे हम चेक कर चुके हैं, बट फॉर नाउ देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फ़ोन मिल जाए, क्योंकि ट्रिप का ना मूड ख़राब नहीं करना, ऐसी तैसी हो जाएगी पूरी ट्रिप की, और एक बंदे का भी अगर दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना तो पूरे ग्रुप का हो जाता है। टेम्परेचर इज 5.7 डिग्रीज राइट नाउ, 5.7, 44 डिग्री दिल्ली से 5.7, इसीलिए हमें इतनी ठंड लग रही है। मैंने अभी रियलाइज किया, जस्ट देखा नहीं था, अभी देखा मैंने तो मुझे पता चला इतना ज्यादा ठंडा हो गया है। अभी जस्ट हमने क्रॉस किया, दिस इज़ बारा लाचला पास, और बारा लाचला में बहुत पीछे रश था, रुक नहीं पाए, ट्रक भी आ रहा है पीछे से तो देखिए पुशिंग में, तो हम रुक नहीं पाए यहाँ पे, बट ये बारा लाचला है तो अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। सो दिस इज़ सूरज ताल, और सूरज ताल तक हम आ गए, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू, जस्ट टेक अ लुक ऑफ दैट ब्यूटी। बीच में सारा का सारा स्नो, जो इतना वाला आइस पार्ट है जमा हुआ है, साइड साइड से ये लेक जो है इतनी प्यारी ग्लेशियर की लेक फॉर्मेशन में है। थोड़ी देर का हमने यहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है एंड वी आर रोलिंग, तो बस यहाँ से एक पॉइंट देखते हैं आगे, खाने का कुछ मिलता है उस, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और फॉर नाउ जस्ट बिफोर मूविंग अहेड जस्ट इन्जॉय सम सिनेमैटिक्स जो इसने यहाँ लिए।
सो हेयर इज सफारी और सफारी आ चुकी है। बस यहाँ पे कुछ खाते हैं और इसके बाद हो लुक एट दिस व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू, ये मतलब सीन ही अलग है यहाँ का, ऑसम। तो अभी हम आ चुके हैं बारा लाचला के क्रॉस करके, ये जो एरिया है तो यहाँ पे हम लोग हैं एंड इस पे हम लोग खाना पीना यहाँ पे खाएंगे। इसके बाद आगे का पॉइंट है और व्हीकल्स जो है हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे पार्क कर दिए हैं। खाना पीना जो है वो इसमें है, ये पॉइंट है। और ये ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हट्स होते हैं इसके अंदर, मतलब आपको ना सन की वजह से काफ़ी हीट ट्रैप हो जाती है, बहुत मस्त रहते हैं। तो अभी अभी का सीन ये है कि राइट नाउ बढ़िया वाली स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, तो स्नोफॉल इन्जॉय कर रहे हैं और इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आगे निकलेंगे यहाँ से। तो आगे चल के आपको आगे का व्यू दिखाते हैं बढ़िया वाला। तो फ्यूल हो रहा है ख़त्म, रिफ्यूलिंग कर रहे हैं इस पर क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप है नहीं। हमने स्टॉक कर लिए थे दो कैन गाड़ी में, एक ये कैन है और एक ये है, तो तीन बाइक्स में डाल देते हैं। सफारी का तो 65 लीटर्स का टैंक है, ऑलरेडी हमने फुल कर दिया था। अब जो है यहाँ से आई थिंक 250 किलोमीटर कुछ और रह गया है लद्दाख ले। मीनवाइल देखते हैं कुछ जुगाड़ इसमें फनल बनाने का, क्योंकि फनल हमें कहीं मिला नहीं रास्ते में, तो या तो ऐसी कोई बॉटल काटेंगे थोड़े बड़े मुंह वाली, लेट्स सी। बहुत आराम से निकले ना, बहुत नीचे करके क्योंकि हवा है। थोड़ा करो नीचे से, हल्का चलो, स्पीड हल्की बढ़ाओ। ओ आराम से नीचे निकल रहा है। अरे बहुत इजी है इस पे तो, साला कितना आसान है भाई, आराम से आराम, इतना भी आसान नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं फेमस घाटा लूप्स, घाटा लूप्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये लूप्स हैं जो कर्वेचर में रोड्स होगी, जो ऊपर की तरफ आपकी रोड लद्दाख में लेह में ऊपर एंटर होती है। तो ये काफ़ी फेमस घाटा लूप्स हैं, देखते हैं ऊपर से क्या व्यू आता है, कितनी हाइट पे हम जाते हैं। तो फाइनली इतने सारे चक्कर के बाद घाटा लूप्स एंड हुआ। करीब पता नहीं 17-18 लूप्स होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये जगह भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से पॉपुलर है, देखते हैं यहाँ। ये एक्चुअली गंदगी नहीं है, लोग सोचते हैं कि गंदगी है, बट दिस इज़ के अब देखो अपना अपना तरीका चीज़ों को मानने का। तो यहाँ कहते हैं कि ये मंदिर है और इन बाबा जी की जो कृपा है वो तब होती है जब आप एक चढ़ावे में बॉटल डालते हो यहाँ पे, तो इसीलिए इतनी सारी बॉटल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कचरा है, गंदगी है, इसलिए देखो कुछ बॉटल्स भरी हुई भी हैं। अगर आप देखोगे तो चढ़ावा सोच के लोग भरी हुई फ्रेश बॉटल्स भी डालते हैं, सील्ड भी होंगी इनमें से कुछ आगे। अगर हम देखें ये देखो ये वाली बॉटल्स देखो आप, तो ये सील्ड बॉटल्स भी हैं, लोग चढ़ावा देते हैं यहाँ पे। तो कहाँ पीछे नहीं जाएंगे, नहीं इतने। और इनको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो चॉकलेट्स खा लेते हैं थोड़ी सी, नकीला है ये, नकीला पास। ओहो फाइनली नकीला पास। तो नकीला पास तक हम आ गए हैं और विच इज़ ऑल्सो नोन एज, ये क्या है, शौर्य चक्र RCC नकीला टॉप। अब यहाँ से चलते हैं आगे, अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से नीचे जाएंगे राइट। ल
लाचुंगला फाइनली। एक मिनट, कोई नहीं। हाँ तो बस यही है अपना कि आज का जैसे भी है मस्त वाला निकाल लेते हैं। होपफुली कल तक ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो कल तक एडिट होके आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद फिर परसों से एक दिन हम रेस्ट करके ले में सीधा निकल जाएंगे आगे हुंदर दुष्कृत, जहाँ पे आगे कैंपिंग और नूबरा वैली का जितना भी एक्सप्लोर होगा वो करेंगे हम। तो नाइस, ऑल दो देखो टेंशन तो है पहुँचने की, लेकिन मज़ा फिर भी आ रहा है बहुत, जुनून और जोश पूरा है। ओ भाई ये ऐसा अलग ही लग रहा है नज़ारा यार, मतलब आप यकीन नहीं करोगे हम नीचे से ऊपर आए हैं, सडनली टेबल टॉप माउंटेन हो गए, टेबल टॉप सिंग, और ये है लद्दाख, दिस इज लद्दाख। बहुत मजा, बहुत मजा यार, जन्नत है ये भाई, जन्नत जन्नत। भाई दिस इज तांगलांगला, तो तांगलांगला हम आ गए ऑलमोस्ट, अब यहाँ से निकलना है आगे, तो चलते हैं भाई। हाँ जी भाई, होटल मिल जाए, मतलब कोई भी भाई, होटल 24 किलोमीटर लिख रखा है भाई इस पे, तो यहाँ से 24 किलोमीटर, हाँ 24, मस्त हो रही है ठंडी। तांगलांगला तांगलांगला, ओ भाई ये तो खराब रोड है, ओहो तांगलांगला भाई खतरनाक खतरनाक भाई, लेफ्ट में देखिए बर्फ है, कोई तो स्लिप मार जाएगा, बर्फ पे ही चल रहे हम, ओहो ये तो गलत सीन हो गया। ओ बहुत सही, क्या बात है क्या बात है, नज़ारा दिख नहीं रहा है लेकिन दहशत पूरी है भाई, क्या स्नोफॉल हो रही है, क्या ही स्नोफॉल हो रही है, ले मनाली हाईवे पे रात हो गई हमें आते आते, और स्नोफॉल देखो यार, ओहो हो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, साला इतना एडवेंचरस बन जाएगा ये हमने सोचा नहीं था। ओ भाई आगे देख, Think about me one more time, boy.